मैं साहिल पर खड़ी आसमान को देखूं, मैं साहिल पर खड़ी आसमान को देखूं, इस वसी समंदर को, इसकी बहती लहरों को, इस वसी समंदर को, इसकी बहती लहरों को, इस गीली रेत को, इस गीली रेत को, इन खूबसूरत घरौंदों को, इस गीली रेत को, इन खूबसूरत घरौंदों को, इस नीले बादल को, इन हरे भरे दरख्तों को, इस बहते पानी को, और इसमें बसती मखलूक को, दूर तक जहां हद्दे निगाह उस वसत के नज़ारे को, इन बहती लहरों को, इन चट्टानों को, मेरी निगाह दूर तक हर चीज़ तक गई। साहिल पर खड़े होकर मैंने हर नज़ारा देखा। फिर अचानक ज़हन में एक ख़्याल धर आया कि ये जो इतने खूबसूरती, इतने रंग हैं, ये जो इतना वसी और अरीस समंदर है, जो आप खामोश इसका नज़ारा करते हो, आप इसे कुछ बयान नहीं करते हो, फिर भी आपका जो इजहार हर तरफ फैल जाता है, तो ये किसकी बदौलत है? ये मेरा रब्बे कायनात ही तो है जिसने ये सब कुछ बनाया और हमारे अंदर एक सुकून पैदा कर दिया। समंदर का शोर, समंदर का सन्नाटा, हमारे अंदर का सन्नाटा, अंदर का शोर, सब कुछ उसी के ताबे ही तो है। वही तो है ये सब खूबसूरती को बनाने वाला।